गुरुग्राम में पीएम मोदी के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले की खुशी भी मनाई गई। यहां 370 किलो का लड्डू बनाकर उसे बांटा गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुरुग्राम में रन फॉर फिट का भी आयोजन किया गया। कई मशहूर हस्तियां पहुंची जिन्होंने अपने अंदाज में पीएम मोदी को बधाई भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला में महासंपर्क अभियान के तहत पहुंचे। इस अभियान के तहत पंचकुला में सीएम ने भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी और सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में पंचकुला और हरियाणा की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन संदीप जोशी आज हरियाणा के भिवानी जिले पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि इस बार हरियाणा में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही 75 पार की बात कर रही है, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी 85 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। कैथल में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत चहल ने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है। वहीं अजीत चहल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में रहकर काम करने वाली पार्टी है और वो व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ किसानों की समस्याओं को भी समझती है। साथ ही उन्होंने समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया। पिहोवा से सांसद नायब सिंह सैनी की अगुवाई में किसान गेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही पिहोवा सरस्वती से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत भी हुई। सांसद नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो काम बीजेपी सरकार ने किए उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो काम बीजेपी ने पिछले 5 सालों में किए वही काम आगे भी करेगी। साथ ही दावा किया कि जनता बीजेपी को 90 की 90 सीटें जिताने के लिए तैयार है। हिसार जिले के नारनौंदा विधानसभा क्षेत्र में टिकट कटने के बाद जेजेपी नेता गांधीगिरी पर उतर आए। यहां जननायक जनता पार्टी ने पूर्व विधायक राम कुमार गौतम को उतारा, जिसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथी रहे उमेश सिंह लोहान गांधीगिरी पर उतर आए और उन्होंने जेजेपी सुप्रीमो के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने तो शाम की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क सुविधा के विकास काम करवाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणवी अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा। प्रदेश में यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले 2 दिनों से सड़कों पर स्थानीय पुलिस अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिस लोगों को फूल देकर यातायात नियमों के पालन की अपील करती नजर आई, तो साथ ही थाना प्रभारी ने पाठशाला लगाकर बच्चों को नए ट्रैफिक नियम की जानकारी दी और स्कूली बच्चे वाहन चालकों से नए ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील करते नजर आए। नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला मार्ग पर नरवाना में बाईपास रोड बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। व्यापारियों का पिछले 13 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद आज महिला कांग्रेस नेता विदा दनोदा ने उन्हें समर्थन दे दिया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो नरवाना में बाईपास निकाला जाएगा और दुकानदारों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। यमुनानगर के कैंट एरिया में एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल महिला कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जब महिला अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रही थी तभी उसके पति ने उस पर गोली चलाई। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।